कहीं टारगेट किलिंग में होने वाली हलाकतों पर एहतजाज है तो कहीं बिजली की अदम दस्तियाबी के खिलाफ लोग सड़कों पर। कराची में जहां रात दिन कारोबारी सरगर्मियां जारी रहती हैं, अब यहां लोग कारोबार ना होने का रोना रोते नजर आते हैं। शहर में फायरिंग से हलाकतों का सिलसिला तो जारी है ही, रही सही कसर भत्ता माफिया ने पूरी कर दी है। ताजिर भत्ते की पर्चियों से परेशान है क्योंकि भत्ता ना देने पर मिलती है मौत। यहां पर आए दिन रोजाना आए दिन भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग हो रही है। गुज़िश्ता रोज गार्डन के इलाके में भत्ता देने से इनकार पर ताजिर को मौत के घाट उतार दिया गया और अब गोश्त के ताजिर को भी मिली भत्ते की पर्ची और इसके साथ दो गोलियां। इसकी इत्तला पुलिस और सीपीएलसी को दी गई लेकिन कुछ ना हुआ और भत्ता ना देने पर मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने ताजिर की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। गोश्त की दुकान थी गुलशन इकबाल में, वहाँ पर दो पर्चियाँ आई, दो गोलियाँ एक पर्ची आई। 20 लाख से वो शुरू हुआ और आज मेरे ख्याल से 5 लाख पे आया। पहले बच्चे को हटाने की कोशिश करी, आज ये फायरिंग करके गए गाड़ी। इत्तला के बावजूद भत्ता माफिया के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस की नाकामी से ताजिरों में अदम तहफ्फुज़ का एहसास बढ़ने के साथ इस माफिया की जड़ें और मजबूत हो रही हैं। चोरी, डकैती और टारगेट किलिंग की वारदातों से शहरी परेशान थे ही, लेकिन अब भत्ताखोरी और पर्ची माफिया की बढ़ती हुई सरगर्मियों ने ताजिरों को खौफ में मुब्तला कर दिया है। उनका मुतालबा है कि भत्ताखोरी में मुलव्विस मुलजिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन फरहान इलियास के साथ जिल्ला हैदर, जियो न्यूज़, कराची।